मुझे टेंशन इस बात का होता है सर कि 70 PT होगा नहीं होगा, 70 एग्जाम में क्या होगा, इस बात से लेकर सर बहुत टेंशन होता है कि इतना मेहनत करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या किया जाए सर इस पे, कुछ आप बात चर्चा करते थोड़ी। राजेश जी, आपका क्वेश्चन बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही दर्दनाक है। अगर मैं आपको रियलिटी एकदम प्रैक्टिकल बात में बताऊं, जो अपनी लाइफ में घटना घटी या कई की लाइफ में घटना घटी है, चाहे वो सक्सेस है या फिर आज फेल्योर है। अगर 1 लाख स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, 1 लाख स्टूडेंट, तो उसमें करीब करीब मान लीजिए कि 80% के दिमाग में यही होता है, बचा 20%। 20% में 10% को एग्जाम से मतलब ही नहीं है, बचा 10%। 10% वाला वो है, हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगला अटेम्प्ट के लिए। ये 5% वाला है, और 5% वो है जो अपनी किस्मत की रेखा को देखता है। यानी कहा जाए तो ये सबके लाइफ में, अब तो क्लियर हो गया कि सबके लाइफ में होता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। जिस समय आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 1 साल, 2 साल, 3 साल पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में गुजर गया, और फिर भी अभी उम्मीद की किरण उनको नहीं दिखती है कि 70वीं भी होगा या नहीं होगा। तैयारी चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तैयारी कंटिन्यूटी में बरकरार है, लेकिन यहां जो बैठा हुआ बच्चा है, जिसको आप कह सकते हैं आत्मविश्वास कहिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि अंदर का एक आत्मा, परमात्मा, एनर्जी है ना, या जो भी आप मान लीजिए, यहां से ये बताता ही नहीं है। सबसे बड़ी ये समस्या कि होगा या नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा ही एकदम प्रैक्टिकल बात है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, नहीं क्यों होगा, अगर हो गया तो क्या होगा। नहीं होगा तो दुनिया ताने मारेगी, समाज ताना मारेगा, परिवार ताना मारेगा, जिंदगी फिर से वही किराए के कमरे में दाल भात खाने के लिए मजबूर करेगी, फिर अगले अटेम्प्ट के लिए हम तैयारी करेंगे, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा, अगर हो गया तो 65 साल की लाइफ जो है एकदम सिक्योर है, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं है। समस्या तो जीवन का पार्ट है, समस्या होगा, लेकिन इकोनॉमिकल समस्या नहीं होगा। आज हर इंसान के साथ जो समस्या है ना, वो इकोनॉमिकल है। देश आजाद है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन लोग आज भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल से गुलाम बने हुए हैं। हर वो स्टूडेंट जो बेरोजगार है, वो इकोनॉमिकल का गुलाम बना हुआ है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पैसा आएगा समय पे, कैसे बाबूजी से मांगू, मम्मी से मांगू। ऐसे कंडीशन में सबसे आसान रास्ता, अगर जिंदगी लगे कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करने का है, एकदम आंख बंद करके, एकदम निश्चिंत होकर अपनी लाइफ को व्यस्त कर देना। आपका नहीं होगा तो क्या होगा, यह तब आता है जब आप पूरी तरीके से लाइफ को रिलैक्स मोड में छोड़ देते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, बैठा हुआ दिमाग शैतान का, तो फिर यहां पे एंट्री होता है। अगर आप पूरे तरीके से अपनी लाइफ को व्यस्त बना लीजिएगा ना, तो अगर नहीं भी होगा ना, तो इस जर्नी का मजा ले लीजिएगा। बीपीएससी एक जर्नी है, इसमें आप मजा ले सकते हैं। यह तब होगा जब आप अपनी लाइफ को व्यस्त रखिएगा, और अगर खुदा ना खास्ते अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी रिलैक्स मोड में छोड़िएगा, यह तुरंत एंट्री कर लेगा। और एंट्री करके यकीन मानिए, मैं दावे के साथ में लिख के देता हूं, आज 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 5 महीना बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, गारंटी है कि आप बीपीएससी से निकलिएगा, वन डे एग्जाम में एंट्री कर लीजिएगा। इतना प्रेशर आएगा आपको, क्योंकि आपने ऐसा माहौल ही अपने आप को क्रिएट कर दिया। आपने इस तरीके से अपने माहौल को, अपनी लाइफ को, अपने पूरे के पूरे
दिनचर्या को बदल दिया कि आपको वनडे की तरफ मूव करना पड़ गया। इसलिए पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। देखिए रिजल्ट ना तो सुजीत सर के पता है होगा कि नहीं, ना आप पढ़ रहे हैं आपको भी पता नहीं है होगा कि नहीं, रिजल्ट सिर्फ ऊपर परमात्मा के पास है। लेकिन मेहनत हम दोनों के पास में है। अगर 50% ईमानदारी से मेहनत आप कर दें और 50% अगर मेहनत हम कर दें तो धरती पे रिजल्ट नहीं रोक सकता कोई भी। बीपीएससी कौन सा चलिए, यूपीएससी निकल जाए, कहीं ना कहीं गलती होती है, इन गलतियों से सीखा जाए और बी पॉजिटिव रहा जाए, क्योंकि हमारे पास अंतिम ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई पीसीएस की तैयारी करने आता है तो यहां के बाद उसका तैयारी खत्म हो जाएगा। अगर पास कर गया तो एसडीएम अधिकारी, और फेल कर गया तो एक पारिवारिक जीवन में चला जाएगा, वही शादी ब्याह जैसे तैसे जो होता है, बाल बच्चे होते हैं, फिर वैसी जिंदगी चली जाती है। जब अगर इंसान इतनी बातों को सोच ले तो कभी भी ये नहीं ख्याल आएगा नहीं होगा तो क्या होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्लियर। और कोई क्वेश्चन है? यस सर, बताइए। एक क्वेश्चन मेरा सर ये था सर कि अगर सर क्या प्लान बी को रखा जाए या नहीं रखा जाए। सर मेरा ये है कि प्लान बी को अगर इतना मेहनत करने के बाद भी, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर प्लान बी को रखा जाए या नहीं रखा जाए सर, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर नहीं होगा तो समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, तो क्या प्लान बी को रखा जाए या नहीं रखा जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है राजेश जी आपका, प्लान बी रखा जाए या ना रखा जाए, आप लोग बताइए कमेंट करके। ऐसे मैं तो बता ही रहा हूं लेकिन आप लोग भी बताइए। देखिए राजेश जी, मेरा ये व्यक्तिगत राय है, प्लान बी ये कहीं ना कहीं भौकाल बना हुआ है यूट्यूब पे। प्लान बी अब समय आ गया है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्जाम जो है बहुत टफ हो गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, वैकेंसी घटती जा रहा है, एक आपके पास में प्लान बी होना चाहिए। जो प्लान बी बोल रहा है ना रखने के लिए, जरा उनसे पूछो तुमने प्लान बी रखा था क्या? तुम्हारे टाइम में कॉम्पिटिशन नहीं था क्या? तुम्हारे टाइम में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी क्या? तुम्हारे टाइम में वैकेंसी नहीं कम रही थी क्या? सब तो वही घटना हो रही थी जो आज हो रही थी। आज से 20 साल पहले 10 रुपए का उतना वैल्यू था जितना 100 रुपए का वैल्यू है। ऐसा थोड़ी है कि 10 रुपए का वैल्यू 10 ही रुपया तक था। आज के 100 रुपए उस समय के 10 रुपए के बराबर था, उतने में इतने सामान आते थे जितने 100 रुपए में आज आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बस हमारे थॉट पे अटैक करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा प्लान बी इस दुनिया में सिर्फ एक एग्जाम के लिए रखा जाए, सिर्फ एक एग्जाम जहां पर सिक्योर कुछ भी नहीं है, और वो एग्जाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। वहां प्लान बी रखना एकदम मस्ट है। अगर वहां प्लान बी आप नहीं रखते हैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि यूपीएससी समय मांगता है। आज से आप लोग सीख लीजिएगा, यूपीएससी समय नहीं मांगता है, यूपीएससी लाइफ मांगता है। समय तो पीसीएस मांगता है, समय तो वनडे वाला एग्जाम मांगता है, यूपीएससी लाइफ मांगता है। आपकी पूरी की पूरी एक कम से कम 3 से 4 साल खा जाती है। एक लाइफ है जहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वो 3 साल आपको 30 साल बैक करवा देता है। तो फिर टाइम ही तो कहां खा रहा है, ये तो लाइफ ही खा जा रहा है। आपको लगता है कि 3 साल मेरा बैक हुआ, 3 साल नहीं 30 साल बैक हो गया। वहां पे प्लान बी होना बेहद जरूरी है। समय देना गुनाह नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखो कितने ऐसे लोग हैं कितना टाइम दिया, मात्र मुश्किल से 3 से 4% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 साल 4 साल तैयारी करते हैं यूपीएससी का। जनरली जो है 2 से 3 2 या 3 अटेम्प्ट देते देते उसके बाद या तो सिलेक्शन ले लेते हैं या तो उस रास्ते को छोड़ देते हैं। और जब उस रास्ते को छोड़ते हैं तो उनके पास ऑप्शन कुछ बचता ही नहीं है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनको नहीं समझ में आता क्या करें ना करें। कोई हो जो 2 वक्त का भोजन के लिए, रोटी के लिए हमें 5,000 का भी नौकरी दे दे, 10,000 का भी नौकरी दे दे, कोई ट्यूशन तक पढ़वा ले, कोई संस्था हमको पढ़ाने के लिए दे दे, संस्था भी पढ़ाने के लिए नहीं देती है, वो भी कहती है अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस है, कहीं पढ़ाए हो? नहीं तो नहीं, चाहे आप इंटरव्यू तक क्यों ना गए हो। इसका मतलब यहां प्लान बी होना चाहिए। मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूं राजेश जी,
सब जितने भी लोग इस समय इंडिया में देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी करने का प्लान बना रहे हैं, तो यकीन मानिए अपने बाबूजी को एकदम ठग लीजिएगा, अपनी जिंदगी को बेकार कर लीजिएगा। सुजीत सर तो कहना क्या चाहते हो? कहना बस ये चाहता हूं कि पहले दुनिया को प्रूफ करके दिखाइए कि आप पीसीएस अधिकारी भी बनने लायक हैं कि नहीं। पर ये तो पता हो जाए, बाप मैं बड़ा मुश्किल से पैसा निकालता है बेचारे, उनकी तो अपनी ही जिंदगी खराब पड़ी हुई है, ढंग से बनियान नहीं पहन पाते हैं, हां पता नहीं 7 दिन में 1 दिन साबुन लगाते हैं, और आप सीधे वहां से सहरसा से मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर से एक बार में 1 लाख उठाते हो, उठा के जाके बड़े बड़े कोचिंग माफिया के पास में पैसा फेंक देते हो। आप वहां पैसा फेंकते हो और वो तो आपको उठा के क्या करता है, सीधे फेल्योर में फेंक देता है। उससे पहले आप पीसीएस का रिजल्ट देख, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करो, ये चीज होना जरूरी है। अब ये टाइम आ गया, क्योंकि हर एक पीसीएस, चाहे कोई भी पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, सब समय पे एग्जाम ले रहा है। अगर आपको लगता है, बेवकूफ मत बनाइए परिवार को और ना खुद को बेवकूफ बनाइए। आपको लगता है नहीं मैं तो यूपीएससी के लिए बना हूं, एक जमाना था आज से 5-7 साल पहले पीसीएस का एग्जाम होता था नहीं, बीपीएससी का एग्जाम होता था नहीं टाइम पे, मतलब आज से 8-10 साल पहले, तो इंसान के साथ मजबूरी था कि उसके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ यूपीएससी। अब तो हर साल 30 सितंबर को एग्जाम ले रहा है। आप और जितने भी मां बाप बैठे हुए हैं उसको बोलिए कि बेटा अपनी किडनी बेच दूंगा, खून बेच दूंगा, अगर वक्त पड़े ना तो प्राण भी दे दूंगा, तू तैयारी कर यूपीएससी का, तू पटना में कर या फिर दिल्ली में कर, लेकिन इससे पहले पीसीएस अधिकारी बनकर दिखा दे तू मुझे कि अगर आप 100 केजी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इच्छा कि मैं 100 केजी उठा सकता हूं, तो पहले ना 70 केजी उठा के दिखा दे। जिस इंसान से 70 केजी नहीं उठेगा उससे 100 केजी का क्या उम्मीद हम कर ले। तो यहां पे प्लान बी होना बेहद जरूरी है, और अगर यहां पे प्लान बी होगा, हो सकता है मेरी बात को आपको कभी कड़वी भी लग सकती है, लेकिन जब शांति से आराम से इत्मीनान से, चाहे वो स्टूडेंट हो या मां बाप, शांति से सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, आपको ये लगेगा कि ये इंसान स्टेप बाय स्टेप किसी भी बच्चे को गिरना देना नहीं पसंद करता। मैं चाहता हूं हर के घर का दीपक जलता रहे, कोई भी ना पूछे, कोई भी फेल्योर ना हो, हर कोई पास करे, और हर कोई पास ऐसे ही करेगा, वरना अपने भी बर्बाद होगा, अपने मां बाप को सड़क पे लाके खड़ा कर देगा।